वो ये क्या शोर शराबा लगाया हुआ है, बंद करो ये गली क्रिकेट। लेकिन अंकल और कोई खेलने की जगह तो है ही नहीं, कहीं और जाके खेलो। लेकिन अंकल हमारा तो टूर्नामेंट है। उकुल बोल तो टूर्नामेंट डोले, बकवास बंद करो और कहीं और जाके खेलो। दानिश अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, नो प्रॉब्लम, हम चले जाते हैं। एक्चुअली डॉक्टर ने मतीन को सिर्फ 2 हफ्ते दिए थे जीने को। उसकी डाइंग विश यही थी कि वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल ले, लेकिन नो प्रॉब्लम यार, अंकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम चलते हैं। चलो आ जाओ यार, आ जाओ। सॉरी बेटा, तुम लोग खेल लो क्रिकेट। नहीं नहीं अंकल, इट्स ओके, हम चलते हैं। मतीन बेटा तुम जाके लेट जाओ, आ जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग प्लीज हर दिन खेलो यहाँ पे। ये लो बेटा 5,000 रुपए। नहीं नहीं अंकल, अब तो आपने बोल दिया है, हम कौन आपको डिस्टर्ब करने वाले, तुम अब अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाओ जब तक वक्त ना आ जाए। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम क्रिकेट खेलो। नहीं नहीं अंकल, इट्स ओके, भले मेरा शीशा तोड़ दो। नहीं नहीं अंकल, बेटा आप लोग सब बैटिंग करो, मैं सबको बॉलिंग कराता हूँ। अंकल आर यू श्योर? बेटा इसके बाद मैं आप सबको ICP ला ले जाता हूँ, ओके बेटा? एक्चुअली अंकल डॉक्टर ने बोला है मतीन सिर्फ टेंडरलॉइन स्टेक खा सकता है, तो ठीक है बेटा, फिर सबको मैं फ्लो स्टेक हाउस ले जाता हूँ। चलिए ठीक है अंकल, लेकिन आपकी मर्सिडीज लेके जाते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी के सस्पेंशन सही नहीं है, तो कहीं मतीन रस्ते में हाँ हाँ बेटा मैं चाबी लाता हूँ। यार मतीन तेरा दोस्त बड़ा टेढ़ा है। मतीन बेटा छक्का मारो। अंकल वेल लेफ्ट। मतीन तुम ठीक? हाँ हाँ। आई थिंक आप खाने में चलते हैं। बेटा कोई आगे ही आ जाओ। नहीं नहीं अंकल, हम मतीन के साथ सही हैं, आप गाड़ी चलाएं और रास्ते में हमें एक्सबॉक्स खरीदना होगा मतीन के लिए।